एक्स्ट्रा टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे की चीज़ें। तो आगे का है हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन इन डिफरेंट करंट आईसी आईबी और आईसीयू में संबंध। इन तीनों में हमको संबंध निकालना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करंट गेन जो मैंने अभी सेकेंड में बताया था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन होता है आईसी बटा आईबी होता है, तो वहाँ से आईसी बराबर क्या हो जाएगा बीटा आईबी। लेकिन अभी ये जो कलेक्टर करंट है इसमें मैंने क्या किया है, अभी लीकेज करंट को ऐड नहीं किया है। तो टोटल अगर कलेक्टर करंट पूछा जाए तो इसमें लीकेज करंट को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया लीकेज करंट को ऐड कर लिया या आया, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है आईसी बराबर आई बीटा आईबी प्लस आईसीओ। ये तो हम लोग जानते ही हैं, हमेशा पढ़ते हुए आए हैं आईई जो होगा वो आईसी और आईबी के बराबर होता है। तो ये हो गया इन तीनों में संबंध। अगला टॉपिक हमारा अल्फा और बीटा में संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अल्फा और बीटा में संबंध, ये अल्फा क्या है कॉमन एमिटर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन है, और बीटा क्या है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन है। ये दोनों फार्मूले मैंने पीछे बता चुके हैं कैसे आते हैं। अब इसके लगाने के दो मेथड हैं, हम लोग पहले पहला मेथड देखते हैं। तो आई सी बराबर होता है आई ई बराबर होता है आई सी प्लस आई बी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आई ई रहने दीजिए, आई सी बराबर का लिख सकते हैं अल्फा आई ई लिख लिया मैंने प्लस बीटा, बीटा का लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो अगर हमको बीटा को लिखना हो बीटा आई बी यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे आई सी बटा बीटा लिख दिए। अब फिर आई सी बराबर क्या लिख सकते हैं अल्फा आई ई, मैंने फिर लिख दिया अल्फा आई ई। अब देखो आई ई आई ई आई ई कॉमन हुआ मैंने काट दिया, यहाँ बचा वन अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से मैंने क्या किया इसको इधर लेके आया और इसको इधर लेके आया। तो इसको इधर लेके आएंगे तो वन माइनस अल्फा हो जाएगा, यहीं पे है अल्फा अपान बीटा। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा बीटा अल्फा अपान वन माइनस अल्फा। इसका जो सेकंड मेथड है वो देख लेते हैं अब हम लोग, इतना तो आप लोग जानते ही हैं कहाँ से आता है। अब इसमें क्या करेंगे हम इसमें आईसी से भाग दे देंगे, तो आईसी से भाग देंगे यहाँ पे खत्म हो जाएगा वन बचेगा, और आई ई अपान आई सी आई ई, अब देखो ये उसका उल्टा है ये, तो क्या आ जाएगा वन अपान अल्फा, ये है आई सी अपान आई बी बाय बीटा, यहाँ आई बी अपान आई सी है तो वन अपान बीटा हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने इसको हल कर लिया है, इसको क्या किया मैंने इसको यहीं बना दिया, इसको यहाँ से बीटा वन प्लस बीटा अपान बीटा, यहाँ से मैंने अल्फा का मान निकाल लिया। चाहे तुम लोग अल्फा का मान निकाल लो चाहे बीटा का, अगर बीटा निकल के आ जाएगा ये यहाँ से देख लीजिए, इसको यहीं बना दिया, इसको पक्षांतर कर दिया तो यहाँ से ये आ जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा आई सी ई ओ तथा आई सी बी ओ में संबंध, मतलब कॉमन एमिटर के द्वारा जो लीकेज करंट फ्लो होती है और कॉमन बेस के द्वारा जो लीकेज करंट फ्लो होती है उन दोनों में संबंध निकालना है। तो अभी मैंने बताया था आई सी बराबर आई बीटा आई बी आई बीटा प्लस आई सी ई ओ, ये तो अभी मैंने बताया था कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे इसको। अब हम लोग अभी अल्फा बराबर जानते हैं आई सी अपान आई ई होता है, यहाँ से आई सी बराबर हो जाएगा अल्फा आई ई। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आई ई बराबर जानते हैं आई सी प्लस आई बी, तो जानते ही हैं हम लोग यहाँ पे, इसको इसको जानते रहेंगे भी काम आएगा बाद में। तो यहाँ से मैं क्या किया जो आई सी होता है यहाँ से आई सी बराबर इतना, लेकिन अभी इसमें जो लिखे हैं ये जो मान हमारा आया है इसमें अभी हमारा लीकेज करेंट मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का लीकेज करेंट अभी नहीं जुड़ा है। अगर कॉमन बेस का लीकेज करंट जोड़ेंगे तो आई सी बी ओ हो जाएगा, तो यहाँ से आई सी बराबर अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ हो जाएगा। एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, आई सी बी ओ को आई सी ओ भी कहते हैं, चाहे आई सी ओ लिखो यहाँ पे चाहे आई सी बी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। अभी मैं बताया था ये कहाँ से आता है आई आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी, तो हर जगह पूरा एन पी एन चाहे पी एन पी जो कोई भी ट्रांजिस्टर हो हर ट्रांजिस्टर के लिए फॉलो होता है। हम इक्वेशन नंबर दो से देखेंगे, ये है इक्वेशन नंबर दो आई सी अल्फा आई ई, आई ई के स्थान पे आई सी प्लस आई बी रखा है, आई सी बी ओ रहने दिया हमने। अब यहाँ से आई सी बराबर अल्फा मैंने इसका गुणा कर दिया है दोनों में, गुणा करने के बाद इसको पक्षांतर कर लिया है, आई सी को कॉमन ले लिया है, आई सी को कॉमन लेने के बाद मैंने आई सी को बटे में भेज दिया है दोनों के। अब यहाँ बटे के बाद हम लोग ध्यान देंगे, अभी हम लोग डेरिवेशन किए थे अल्फा बीटा में संबंध, तो बीटा बराबर आया था अल्फा अपन वन माइनस अल्फा। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देंगे, एक एक जोड़ेंगे इसको हल करेंगे तो आएगा ये वन माइनस वन अपान वन माइनस अल्फा बराबर बीटा प्लस वन, मतलब हम वन अपान वन माइनस अल्फा को ध्यान दीजिएगा वन अपान वन माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं
बीटा प्लस वन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आईसी बराबर हमारा हो जाएगा बीटा आईबी, इसको बीटा लिख सकते हैं, इस पूरे का लिख सकते हैं बीटा प्लस वन आईसीईओ। तो यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे इक्वेशन नंबर वन से कहाँ है, ये है। तो अगर आई बीटा बराबर लिखेंगे बीटा आई बी बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे आई सी माइनस आई सी ई ओ आई। तो यहाँ से हम लोग लिखे हैं बीटा आई बी बराबर आई सी माइनस आई सी ई ओ। अब इस मान को उठा के इसमें हम लोग पुट कर देंगे इसके स्थान पे, तो आई सी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आई सी बराबर हो जाएगा, इसके स्थान पे रखेंगे इतना, तो आई सी माइनस इतना प्लस जितना था उसको रख लिया, आई सी से आई सी कैंसिल, ये चला आएगा इधर, तो आई सी ई ओ बराबर वन बीटा प्लस वन आई सी बी ओ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ध्यान देते हैं कि अब आई सी यू मान आई बी यू क्या होगा, बड़ा होगा, यही मैंने पीछे बताया था पिछले वीडियो में, कहाँ से आया मैं बताऊँगा आगे चल के, तो यहीं से आता है ये। अगला टॉपिक है आई ई आई बी आई सी ई ओ में संबंध। तो इसको सब लोग जानते हैं हमेशा से, इसको मैं बता दिया है आई सी ई ओ का संबंध कहाँ से आता है, बार बार नहीं जाएंगे कहाँ से आता है दोनों। अब इन दोनों को मिला के हम हल कर लेंगे, तो आई ई बराबर आई सी का मान इतना है, हमने आई सी का मान यहाँ पे ले जाके रख दिया है, इतना आ गया, यहाँ से बीटा आई बी, आई बी कामन कर लिया, तो आई सी ई बराबर इतना आ जाएगा, यहाँ से आई ई बराबर वन प्लस बीटा आई बी प्लस आई सी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।